Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ज्वेलरी टिप्स. कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जब भी वो ज्वेलरी वेयर कर लेती हैं तो उनका लुक बहुत ओवर लग रहा है, या उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत सारा ज्वेलरी और मेकअप कर रखा है. तो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर हम अपने हर आउटफिट के साथ ज्वेलरी को सही ढंग से मिक्स और मैच करेंगे तो वो हमारे लुक को बिगाड़ने की बजाय और वो हमारे लुक को और इन्हेंस करता है. बस हमें कुछ कॉमन मिस्टेक को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. तो आइए जान लेते हैं वो ज्वेलरी मिस्टेक क्या है. तो गाइज, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साड़ियों की. तो साड़ी तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से और काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन में आते हैं. तो हम इनके साथ ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच कैसे करें, आइए जान लेते हैं. जब भी आप कोई सिंपल साड़ी पहन रही हैं या प्लेन साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ आप हैवी राउंड नेकलेस या हैवी चोकर नेकलेस को पेयर करें. लेकिन आप इस बात का ध्यान दें कि अगर आपने चौड़ा नेकलेस या चोकर नेकलेस पहन रखा है तो उसके साथ अपने ईयरिंग को ज़्यादा हैवी ना पहनें. आप छोटे ईयरिंग या स्टड ईयरिंग पहन सकते हैं. अब बात कर लेते हैं कुछ स्टाइलिश एंड ग्लैमरस लुक के साड़ियों की. जैसे कि इस टाइप की साड़ियों में आते हैं प्लीटेड साड़ियाँ, या जैसे सीक्वेंस साड़ी, रफल साड़ी, नेट फैब्रिक की साड़ी. ऐसे साड़ियों के साथ आप इस टाइप की ज्वेलरी, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में, आप इस टाइप की ज्वेलरी को ना पेयर करें. हमें इसके साथ पेयर करना है कुछ पतले नेकलेस सेट. आप इस टाइप का सेट पहन सकते हैं जो नग या कुंदन के सेट होते हैं, और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी हैं. आप अपनी सिल्क बनारसी टाइप की साड़ियों के साथ कुछ इस टाइप की ज्वेलरी को पेयर कर सकते हैं. एक्चुअली सिल्क साड़ियों पे अक्सर गोल्डन में ही डिज़ाइन दिया होता है, तो उनके साथ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी ही अच्छी लगती है. अगर आपको ये सब पहनना नहीं पसंद तो आप अपनी रियल गोल्डन ज्वेलरी भी पहन सकते हैं. इन साड़ियों के साथ कुछ इस टाइप के बैंगल या कड़े को पेयर करने में काफ़ी क्लासी लगता है. अगर आप कॉटन साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ बहुत चमक धमक जैसे कि स्टोन, नग, इस टाइप के ज्वेलरी ना पेयर करें. हमारी कॉटन साड़ियाँ चमकीली तो होती नहीं है, तो हमें ज्वेलरी भी वैसा ही सेलेक्ट करना चाहिए. कॉटन साड़ी के साथ आप कुछ इस टाइप की ज्वेलरी को पेयर कर सकते हैं. आप इन साड़ियों के साथ मेटल ज्वेलरी या आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी पेयर कर सकते हैं. हम बात कर लें सूट की, तो सूट में तो वैसे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए. सूट के साथ मोस्टली ईयरिंग पर ही फोकस किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन या पार्टी में जा रहे हैं और आपने सिंपल या प्लेन सूट पहना हुआ है तो आप उसके साथ कुछ इस टाइप के नेकलेस को पेयर कर सकते हैं. जो मोती के नेकलेस होते हैं ना, लंबे थोड़े माला टाइप, ये सिंपल सूट के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे. अगर आपका सूट हैवी या डिज़ाइनर है, या आपके सूट के नेकलाइन पे डिज़ाइन दिया हुआ है, तो आप उसके साथ कोई भी नेकलेस को पेयर ना करें, क्योंकि वैसे भी सूट के नेक पे ही ज़्यादा फोकस जाता है. अगर आप कोई बोट नेक या राउंड नेक या कोई छोटे नेक का सूट पहना हुआ है तो उसके साथ नेकलेस को कभी भी ना पेयर करें. सूट के साथ आपको ईयरिंग पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ईयरिंग में तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं. जैसे आप पहन सकते हैं चांद वाली ईयरिंग, स्टेटमेंट ईयरिंग हुआ, और झुमका स्टाइल में ईयरिंग सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. आप थोड़े बड़े ईयरिंग को ही ज़्यादा प्रिफर करें. अगर आप सूट के साथ अपने बालों को चोटी किए हुए हैं या बांध रखे हैं तो उसके साथ आप ईयरिंग के साथ साथ मांगटीका सेट भी पेयर करें,
काफ़ी खूबसूरत लगता है और पार्टी फंक्शन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। वैसे मांग टीका तो ओपन हेयर स्टाइल में भी काफ़ी एलिगेंट लगता है। तो गाइज ये थे आज के कुछ छोटे छोटे एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।